यूपी के हरदोई जिले में कारगिल विजय दिवस पर जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग की तरफ से गांधी भवन हॉल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित करके किया। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि देश की आजादी में शहीद हुए और देश की सीमाओं और देशवासियों की सुरक्षा करने वाले वीर जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और न ही उनके परिवार के दुख का एहसास किया जा सकता है। भारत ने कभी भी किसी देश की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कभी नहीं किया, लेकिन जब जब भारत के दुश्मनों ने देश पर टेढ़ी नजर दिखाने की कोशिश की तो हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर दुश्मनों के मंसूबे को नाकाम करते हुए देश की सीमा की रक्षा की है। कार्यक्रम में 1971 युद्ध के विषय में पूर्व नायक विशाखा सिंह और कारगिल युद्ध की गाथा जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास केंद्र ने विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने कारगिल युद्ध में पाली के शहीद हुए वीर जवान लॉरेंस नायक आबिद खान की वीरांगना और सेना के पूर्व नायक सूबेदार वीरांगना विष्णी दुलारी और रामदेवी सहित अन्य शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सहित सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से सभी का स्वागत किया और उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दिवस के उपलक्ष्य में जनपद हरदोई में गांधी भवन में सभी हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो वीरांगनाएं हैं या शहीदों की जो माताएं हैं उन सबको सम्मानित किया गया जिला प्रशासन द्वारा, और जो यहां पर बच्चे उपस्थित हैं उनको भी अवगत कराया गया, कई गाथाएं सुनाई गई कि किस प्रकार से कारगिल में और दूसरे युद्धों में जो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों में देश की सेवा करी, और युवाओं को भी हम लोगों ने प्रोत्साहित किया कि वो लोग भी इन प्रेरणादायक कहानियों को सुने। हरदोई से जनमत न्यूज़ के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।